नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी आवास से रवाना हुए। राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जहां पर जनसभाएं करेंगे। तमिलनाडु के कोलम के पास एक कार और ट्रक के बीच टक्कर होने से कम 4 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम प्रकाश पर्व का जश्न मनाया जा रहा है, इसी बीच भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में जाति जनगणना पहले ही हो चुकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कर्नाटक में जाति जनगणना करानी चाहिए और इसे सार्वजनिक करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेनी शहर पोल्टावा पर रूस के हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें कम से कम 51 लोग मारे गए हैं। देश की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में 4 और 5 सितंबर को लखनऊ मुख्यालय में तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन होगा। विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व जयदीप मजुमदार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंगापुर का दौरा करेंगे। भारत के लिए मेंस जेवलिन थ्रो F46 में अजीत सिंह ने सिल्वर तो वही सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ज्ञानवापी परिसर में अतिरिक्त सर्वे के लिए दायर याचिका पर सुनवाई जारी है। इससे पहले विजय शंकर रस्तोगी की बहस पूरी होने के बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा था। सूरज सामत को हराकर अभय हड़प मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के नए सचिव बने हैं। मुंबई के मालाड में एक तेज कार ने 27 वर्षीय शाहना काजी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। भीड़ ने ड्राइवर को पीटा, शाहना के 2 छोटे बच्चे हैं। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भ्रष्टाचार के कारण गिरी है, सत्ता में बैठे लोग बेशर्मी से भ्रष्टाचार में लिप्त है। शरद पवार ने कहा कि संकट से भागना, बेबसी स्वीकार करना काकल का इतिहास नहीं है। जिन्होंने मजबूरी स्वीकार की उन्हें सबक सिखा बिना नहीं छोड़ा जाएगा। अजित पवार महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार का हिस्सा है, लेकिन बीते दिनों में उनकी पार्टी के रुख ने सबका ध्यान खींचा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा है कि अगर शिवाजी की प्रतिमा में स्टेनलेस स्टील लगी होती तो वो 100% नहीं गिरती। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ने फिल्म इमरजेंसी के लिए सेंसर सर्टिफिकेट की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आरोपी सागरपाल और विक्की गुप्ता को अब जेल के अंदर दाऊद इब्राहिम गैंग के सदस्यों से जान का खतरा है। घरेलू शेयर बाजार के लिए बुधवार का दिन खराब साबित होने की आशंका है। दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत भारी गिरावट में हुई है। स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की जा रही है, हालांकि गुजरते दिनों के साथ कमाई के आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही है। सुपरस्टार थलपति विजय की अपकमिंग फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की रिलीज में अब महज कुछ ही घंटे बाकी है। इस फिल्म के लिए फैंस के बीच गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।